बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। और मैं हूं फायजा बुखारी। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। अठारहवीं तरमीम ने वफाक को दिवालिया कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। सदारती निज़ाम से मुतालिक खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा, ना जाने ये बातें कौन कर रहा है, इनकलाबी बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं। कराची की हालत देखें, वो ठीक हो ही नहीं सकता। नई मौशी टीम में एक और सिलेक्शन। वज़ीर आज़म का इक्तसादी उमूर के तजुर्बाकार खिलाड़ी शब्बर जैदी को चेयरमैन एफपीआर तायुनात करने का ऐलान। शब्बर जैदी निगरान दौरे हुकूमत में सिंध के वजीर रहे। साउथ एशिया फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के चेयरमैन रहने का भी एजाज हासिल। IMF के लोग अगर हमारे यहाँ इस तरह बैठे रहेंगे और इस तरह आएंगे, आपकी बुक्स भी देखेंगे, आपके स्टेट बैंक के अंदर भी बैठे होंगे, तो हम क्या मुमकिन है। IMF डिसाइड करेगी कि हमारा वजीर ख़जाना कौन होगा, हमारा स्टेट बैंक का इंचार्ज कौन होगा, हमारा FPR का इंचार्ज कौन होगा, तो ऐसा नहीं चल सकता है। गवर्नर स्टेट बैंक की तायुनाती पर सियासी महाअजगर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने खुलकर मुखालफत कर दी। कहते हैं लगता है IMF का ऑफिस पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा है। वजीर खजाना और चेयरमैन FPR की अचानक तब्दीलियाँ, संगीन मसला, मुआशी खुद मुख्तारी पर समझौता करने का इल्जाम। IMF की गुलामी कबूल नहीं। कौमी असेंबली के अंदर और बाहर अपोजिशन का शोर शराबा। प्ले कार्ड उठाकर स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। ख्वाजा आसिफ कहते हैं काउंटडाउन शुरू हो चुका, यही महंगाई हुकूमत गिराएगी। एहसन इकबाल ने कहा, गरीब आवाम के पास कोई ATM नहीं। नवाज शरीफ की आजादी का आखिरी दिन, कल से फिर कैद, रैली की सूरत में ले जाया जाएगा। साबिक वजीर आजम को जेल में बी क्लास, अखबार, टीवी, फ्रिज और AC की सहूलत मिलेगी। चलो चलो कोर्ट लखपत जेल चलो, मरियम नवाज का ट्विटर पर पैगाम। सजा याफ्ता मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून का नायब सदर क्यों बनाया। हुक्मरान जमात ने पिटीशन दायर करने का फैसला कर लिया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मामला हर सतह पर उठाया जाएगा। राणा तनवीर की बतौर चेयरमैन PAC तायुनाती कबूल नहीं। रहमतें और बरकतें समेटने का महीना, कल पाकिस्तान में पहला रोजा। मसाजिद में नमाज तरावी के रूह परवर नजारे, घरों में भी इबादत का खुसूसी एहतमाम। सहरो इफ्तार के दस्तरखान सजाने की तैयारियां। अमरीकी सदर और कैनेडियन वजीर आजम की मुसलमानों को बाहे मुबारक की मुबारकबाद। दुनिया चांद पर पहुंच गई, हमारे हाथ चांद देखने पर लड़ाइयां। तनाज़ा खत्म करने के लिए फवाद चौधरी के बयान से नया तनाज़ा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी कहते हैं ईद और रमजान के चांद देखने पर 40 लाख खर्च करना कहां की अकलमंदी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम के लिए रिलीफ। 19 अशिया पर 2 अरब की सब्सिडी देने का ऐलान। चावल 15 और चाय की पत्ती 50 रुपए फी किलो सस्ती मिलेगी। मुआविने खुसूसी फिरदौस आशिकवान कहती हैं हुकूमत को कुछ वक्त मिलना चाहिए। ओपोजिशन से पूछा जाए मुल्क का ये हाल किसने किया। कराची में 8 रोज से जारी नर्सों का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए। सेक्रेटरी सेहत के वक्त से मुजाकरात, तहरीरी यकीन दहानी के बाद धरना खत्म करने का ऐलान। सड़कों पर सारा दिन बदतरीन ट्रैफिक जैम रही।
والدین کے لیے سکھ کا سانس، کراچی کے نجی سکولوں میں جون جولائی کی فیس ایک ساتھ لینے پر پابندی، سندھ ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں کو 2 ماہ کا چالان واپس لینے کا حکم دے دیا۔ پاکستانی لڑکیوں کو جھانسا دینے والے چینی گروہ کا دھندا بے نقاب، 7 کارندے لاہور سے پکڑے گئے، شادی کر کے چین لے جاتے اور جسم فروشی کی دلدل میں دھکیل دیتے، چینی پولیس بھی ملزموں سے تحقیقات کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی۔ سرگودھا میں شاہپور جیل کے قیدیوں کی نوٹنکی، ٹینکی پر چڑھ کر سپریڈینٹ کو یرغمال بنائے رکھا، قیدیوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے شیلنگ کی، انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کے بعد صورتحال قابو میں آئی۔ لائٹ کیمرا ایکشن، گوجرانوالہ اینٹی کرپشن عدالت میں مار دھار سے بھرپور مناظر، مدعی ملزم اور وکیل سب گتھم گتھا، ایک دوسرے پر گھوسوں کی بارش، کپڑے پھاڑ دیے، متعدد افراد زخمی۔ غزہ میں خون کی ہولی کے بعد جنگ بندی، 3 روز میں شہادتوں کی تعداد 27 ہو گئی، خواتین اور بچے بھی شامل، مصر نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ بھارتی الیکشن کا 5واں مرحلہ، 7 ریاستوں کی 51 نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے، کئی پولنگ سٹیشنز پر جھگڑے، پلوامہ میں ہینڈ گرینیڈ سے حملہ، ایک شخص زخمی، کشمیریوں نے ایک بار پھر نام نہاد چناؤ کا بائیک آؤٹ کیا۔ ماسکو ایئرپورٹ پر شولوں میں گھرے طیارے کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل، ہلاکتوں کی تعداد 41، جہاز میں دوران پرواز آگ لگ، 30 منٹ بعد ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔